भारत में 18 वर्ष के सभी लोगों को वैक्सीन लगाना शुरू हो चुका है। इसके लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। हाल ही में कोविन पोर्टल में गड़बड़ियों की शिकायत के बाद बदलाव किया गया। दरअसल जिन लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए अपॉइंटमेंट लिया था, लेकिन किसी कारणवश वे वैक्सीन लगवाने नहीं जा पाए, उन्हें भी वैक्सीन लगाने का मैसेज मिलने लग गया था। इसकी शिकायत के बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पोर्टल में बदलाव किया। अब जाने क्या है नया बदलाव। इस नए बदलाव के तहत अब वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो आपके मोबाइल पर 4 अंकों का एक ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को आपको वैक्सीनेशन सेंटर पर दिखाना होगा। इसे ये वेरीफाई हो सकेगा कि ये अपॉइंटमेंट आपने ही बुक किया था। इसके साथ ही इसमें वैक्सीनेशन के डेटा में भी गड़बड़ी नहीं होगी। इस ऐप में बदलाव क्यों किया गया, जानिए इसका कारण क्या है। दरअसल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पास शिकायतें आ रही थी कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक किया था लेकिन वैक्सीन लगवाने नहीं जा पाए, उन्हें भी वैक्सीन लगवाने का मैसेज आया है। उन्हें वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र भी जारी हो गया था। मंत्रालय का कहना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वैक्सीन लगाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों ने गलती से ऐसे लोगों को भी वैक्सीन लगाने की पुष्टि कोविन पोर्टल पर कर दी थी। पोर्टल पर अब और कुछ भी बदलाव हुए हैं क्या, इसकी जानकारी के लिए आपको इस पे लॉगिन करना होगा। लेकिन अब अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको पिन कोड या जिला एंटर करेंगे तो उसके बाद आपके सामने 6 नए ऑप्शन ओपन होंगे। इन ऑप्शंस के द्वारा आप एज ग्रुप, वैक्सीन का प्रकार, फ्री या पेड वैक्सीन चुन सकेंगे। इस बदलाव से पहले वैक्सीन लगवाने के बाद मैसेज आने पर पता चलता था कि आपको कौन सी वैक्सीन लगाई गई है, लेकिन इस सुविधा के जरिए आपको सारी जानकारी पहले ही मिल जाएगी। दरअसल काफी लोगों की मांग थी कि हमें कौन सी वैक्सीन लगेगी, उसे चुनने का अधिकार दिया जाए। इसके बाद ही ये बदलाव किया गया है। अब आपको कब, कहां और कौन सी वैक्सीन लगवानी है उसकी जानकारी पहले ही आपको मिल जाएगी और उस हिसाब से आप अपने लिए स्लॉट बुक कर सकेंगे।